हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छोटी की रसोई। आज मैं आप लोग के साथ हरे धनिये की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत लोगों का शिकायत होता है कि चटनी जब हम लोग बनाते हैं हरे धनिये की, तो वो कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में जो है वो काला पड़ जाता है। बट अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको आपकी ये चटनी जो है वो घंटों तक हरी रहेगी, एकदम हरी। तो फिर चलिए हम इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर हमें धनिया चाहिए होगा, तो आप बहुत सारा धनिया ले लें। उसके बाद उसके साथ हमने जो है वो ये धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो दो लहसुन की कलियाँ ली हैं, दो मिर्च जितना आपको तीखा पसंद है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ मैंने जो है वो थोड़ा सा मूली लिया है, उससे टेस्ट धनिया की चटनी में बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे आप नमक जो है वो अपने स्वाद के अनुसार ले, और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो है दही। मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच दही यूज़ किया है। इसी से जो है वो हमारा धनिया की चटनी जो है वो घंटों तक जो है वो हरा रहेगा। तो फिर चलिए इसे हम बनाते हैं। तो हमें इस टाइप का एक मिक्सिंग जार लेना होगा, उसमें हम धनिया डालेंगे और सारी चीज़ों को डाल देंगे। आप देखोगे कि आपकी धनिया की चटनी जो है वो 5 से 6 घंटे तक भी जो है एकदम हरा रहेगा, काला बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो बिल्कुल अच्छा लगता है। तो आप ये जो मैंने मूली यूज़ किया ना, आप मूली को ज़रूर यूज़ करें, और ज़्यादा इसमें लहसुन नहीं पड़ता है, आप लहसुन ज़्यादा यूज़ ना करें, 2-3 कली काफ़ी है। नमक स्वाद के अनुसार यूज़ करें और दही ज़रूर यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक छोटा चम्मच मैंने दही लिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड किया। ढक्कन लगा देंगे इसका और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप इस चटनी को डोसा, इडली या किसी भी पराठे के साथ खा सकते हैं, समोसे के साथ खा सकते हैं, पकोड़े के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए कितना हरा लग रहा है, एकदम फ्रेश देख सकते हैं आप, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो फिर चलिए इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। धनिया पत्ते की चटनी में आप अगर मूली डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है, आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा और आप किस तरह से धनिया पत्ता की चटनी बनाते हैं, ये भी रेसिपी आप ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।